नजर वो जो दुश्मन पे भी मेहरबान हो, जुबां वो जो एक प्यार की दास्तां हो। बड़ा सिंगर वो होता है जो दूसरों को बड़ा समझे। जो खुद को आला समझे वो उसका बड़प्पन नहीं। बड़प्पन तो वो है जो खुद को छोटा समझे। धन है वो इंसान करे कुर्बान जो दिल की सारी खुशियां। ये खासियत तो मोहम्मद रफी साहब में भी थी। इतनी ऊंचाई हासिल करने के बाद भी खुद को फर्श पर समझा और अपने जमाने के दूसरे सिंगरों को बराबर अहमियत दी। उसी का सिला मिलता है आज रफी साहब को। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। कहने वाले ने खूब कहा है, कर भला सो हो भला। जो दूसरों को इज्जत देता है उसको भी दुनिया में इज्जत ही मिलती है। भलाई का बदला भलाई मिला है। आज का ऐसा कौन सा सिंगर है जो मोहम्मद रफी साहब का सम्मान नहीं करता, उनको गुरु नहीं मानता। आज मोहम्मद रफी साहब भले ही इस दुनिया में नहीं है मगर उनके गानों से कुछ ना कुछ सीखा जाता है। तो चलिए सुनते हैं कि उदित नारायण जी मोहम्मद रफी साहब के बारे में क्या कहते हैं। आई मीन सैड सॉन्ग गाने के लिए आप किसको ध्यान में रखते हैं? रफी साहब को याद करता हूँ उस वक्त। वाह, क्योंकि सैड सॉन्ग जो रफी साहब गाए हैं ना, उसकी बात ही अलग है। सर कोई रफी दादा का गाना ही सुना दीजिए कुछ। माइक ले लीजिए उदित। ये पर्वतों के दायरे, ये शाम का वाह, पर्वतों के दायरे शाम ऐसे में क्यों ना छेड़ दे दिलों की दास्ता, पर्वतों के दायरे शाम का। दोस्तों आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे किसी अगली वीडियो के साथ, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।